नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे लाजावर्त स्टोन के बारे में। लाजावर्त एक हीलिंग स्टोन है और इसका जो गुण होता है ये सिर्फ लाभ करता है, किसी भी प्रकार की हानि इस स्टोन को धारण करने से किसी को नहीं हो सकती है। क्योंकि हीलिंग स्टोन चाहे जो भी हो, हीलिंग स्टोन में सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक ही धर्म होता है, लाभ देना। ये किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं दे सकते हैं। और लाजावर्त धारण करने से पितृदोष और कई दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और इसे धारण करने से व्यक्ति की मानसिक क्षमता बेहतर होती है, नौकरी कारोबार में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल की बटन को सेलेक्ट करना न भूलिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाते रहें। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाजावर्त स्टोन की। यदि आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, पैसों की किल्लत है, तरक्की रुकी हुई है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप इस रत्न को एक बार जरूर धारण करके देखिए, आपके सपने साकार हो जाएंगे। और ऐसे तो इसे शनि, राहु और केतु का रत्न माना जाता है, लेकिन ये सभी 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह और 8 महाविद्याओं सबके लिए काम करने वाला स्टोन है। इसे किसी ग्रह नक्षत्र या राशि के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के साथ हीलिंग स्टोन, जिस स्टोन के साथ जुड़ गया नाम, वो सबके लिए होता है। और इस रत्न को धारण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, चाहे जिस ग्रह से आपको परेशानी आ रही हो वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, इसे आप चांदी की अंगूठी में या अष्टधातु में धारण करके पहन सकते हैं। और इसे हमेशा मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है, दाएं हाथ की मध्यमा में भी पहन सकते हैं, बाएं हाथ की भी मध्यमा में पहन सकते हैं। इसे शनिवार को दिन धारण करना ज़्यादा अच्छा माना गया है। और इसे धारण करने से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, इस रत्न को पहनने से बुद्धि और विवेक बढ़ता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए बड़ा शुभ और अच्छा माना गया है। और इसे धारण करने से पितृदोष समाप्त होता है। यदि आपके कुंडली में पितृदोष जैसा दोष रहा है, जो कि महादोष माना जाता है और काफ़ी परेशानियां बढ़ा देता है, तो ऐसे दोष से निजात चाहते हैं तो आप लाजावर्त जरूर धारण करिए। और मानसिक शक्ति को बेहतर बनाना है, नौकरी कारोबार में आ रही बाधाओं को यदि आप छुटकारा चाहते हैं तो एक बार इस पत्थर को आजमा कर देखिए। यदि आप इसे मंगलवार के दिन धारण कर रहे हैं तो भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, सर्प आदि का भय नहीं रहेगा। और लाजावर्त मणि पत्थर खास करके व्यक्ति की घटना दुर्घटना को बचाता है, जीवन में आ रही अचानक घटनाओं को रोक देता है और जीवन को सुखमय बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।